बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्काउंट, और ये है एक्सरसाइज आईकॉम पार्ट वन, बिजनेस मैथमेटिक्स 1.4 एक्सरसाइज जो है हम इस पर करने जा रहे हैं, डिस्काउंट पर है। और इस पे इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, इस वीडियो में हम पांच चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कौन कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्काउंट की डेफिनेशन को देखेंगे, इसको उसके बाद चार कुछ टर्म्स हैं जो हम फार्मूला में यूज़ करेंगे, उनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। वो कौन कौन सी हैं? एक है आपके पास स्टेटेड प्राइस, जिसको हम SP कहते हैं। एक है डिस्काउंट अमाउंट, वो DA है। और एक है डिस्काउंट रेट, जो कि DR है। और एक है डिस्काउंटेड प्राइस, जो कि DP है। तो ये SP, DA, DR और DP, ये चार टर्मिनोलॉजीज, टर्म्स वगैरह जो कि फार्मूलाज में यूज़ करेंगे हम, इसी से हम फार्मूला बनाएंगे और इसी के मुताबिक हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक ही फार्मूला हम जनरेट करेंगे, उससे सारे क्वेश्चन हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सॉल्व करने के। आइए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्काउंट होता क्या है। तो बात कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कमी वाली है, कमाई कम करती है किसको या किस में कमी होती है? इन द स्टेटेड प्राइस। स्टेटेड प्राइस मतलब एक्चुअल प्राइस। क्या आप मार्केट गए और आपने एक, जैसे ही आप दुकान में इन होते हैं तो आप जब आप रेट पूछते हैं किसी चीज़ का, तो दुकानदार पहली बार जो आपको कीमत बताता है वो उसकी कहलाती है स्टेटेड प्राइस। कि जो उसने कहा, मतलब आप मार्केट में गए, आपने कहा भैया ये कोई भी चीज़ है तो कितने की, तो वो करेगी 500 रुपये की। अब आपने कहा अच्छा चलो इसमें कुछ थोड़ा लेस होगा, चले आप 10 कम, 10 नहीं भैया 100 रुपये कम कर दो। 100-500 में सर कम नहीं होता, इतना नहीं हो सकता है। आप इसमें चले 20, उन्होंने चलो बहस करते कराते उसने चलो 50 कम कर दिए। अब वो 500 वाली चीज़ 450 में लेके जा रहा है। अब इसमें 500 में से कितने कम हुए? 50। ये जो 50 कम हुए इसी को कहते हैं डिस्काउंट। ये अमाउंट की शक्ल में भी हो सकता है और ये परसेंटेज की शक्ल में भी हो सकता है। यही हम कहेंगे कि एक होता है रिलेटिव टर्म और एक होती है एब्सोल्यूट टर्म। रिलेटिव टर्म जो परसेंटेज की शक्ल में है, रिलेटिव, ठीक है। और एक है एब्सोल्यूट टर्म जो अमाउंट की शक्ल में होगा, जैसे 50 है। तो वो यही कह रहा है कि ये अमाउंट जो रिडक्शन हुई है इन द स्टेटेड प्राइस, सेव्ड बाय द बायर, जो बायर ने सेव की है, बचाई है। कितने बचाए हैं बायर ने? 50 रुपए इस एग्जाम्पल के मुताबिक। किससे बचाए? सेलर से। तो इस कॉल्ड डिस्काउंट, उसको कहते हैं डिस्काउंट। यानी इस एग्जाम्पल में 50 रुपया डिस्काउंट है। अब वो डिस्काउंट क्या है, कहाँ यूज होता है? डिस्काउंट इज अ मार्केटिंग टूल दैट इज यूज टू अट्रैक्ट द कस्टमर। आमतौर पर डिस्काउंट इसीलिए दिए जाते हैं ताकि कस्टमर को ये लगे कि चीज़ इतने की है, मिल इतने की रहेगी, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो और ये समझते हुए कि चीज़ सस्ती हो गई है वो उसको खरीदे। ये एक टैक्टिक है, एक टूल है, एक ट्रिक है मार्केटिंग की। तो इसमें कस्टमर अट्रैक्ट होता है। नॉर्मली आप यही समझते हैं ना कस्टमर के, 500 की चीज़ है जी, या वो 400 की मिल रही है। अक्सर डिस्काउंट्स वगैरह डिफरेंट ब्रांड्स के चीज़ों के आते रहते हैं, तो लोग ऑब्वियसली अट्रैक्ट होते हैं कि जी सस्ती होगी। अप टू लिखा होता है ना डिस्काउंट, अप टू 50%। जैसे ही 50% बंदा सुनता है, बाजार में लिखा होता डिस्काउंट अप टू 70%, लोग को तो 70% तक, 70% तक, लेकिन माइंड में तो 70% जाता है ना। जब वहाँ पहुँचेंगे तो उसको आपको कहेंगे इसमें 70% डिस्काउंट है, 70% नहीं सर, इस पर डिस्काउंट है ही नहीं इस आइटम पे, वो जो स्टॉक देने पे 70% डिस्काउंट है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो फिर एक अलग ही कैटेगरी होती है, उसमें फिर भी बंदा समझता है 70% होगा, लेकिन उन पर भी 70% नहीं होता। किसी पे 5% है, किसी पे 2% है, किसी पे 10% है, किसी पे 15, और जिस पे 70% होता है वो बिल्कुल बेकार चीज़ होती है। लेकिन वो देखो एक टूल यूज़ किया गया तो कस्टमर उससे कितना अट्रैक्ट होता है? 70% तक डिस्काउंट है भैया। ब्रांड पहले ही माइंड में होता है तो वो लाजमाता है लोग उसकी तरफ ज़रा मूव करते हैं। एनी हाउ, ये एक टूल है जिसके जरिए कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सकता है। डिस्काउंट इज़ a technique that is used to bring the boost in the sales level. Sales level normally बढ़ता है इससे, क्योंकि जब डिस्काउंट का सुनेंगे लोग तो लाजमी बात है कुछ चीज़ों की खरीदारी करेंगे, जब खरीदारी होगी तो लाजमी बात है सेलर की सेल बढ़ेगी। ये जरूरी नहीं होता कि हर बार डिस्काउंट देने से आपकी सेल बढ़े, वो डिपेंड करता है कि जो आप आइटम या जो भी आपका प्रोडक्ट है वो मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है। हाँ, अगर एक मार्केट में एक चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है और उस वक्त आप थोड़ा सा डिस्काउंट देंगे, जस्ट आपने डिस्काउंट उसके ऊपर दे दिया 1%, तो आपका सेल का लेवल बहुत बूस्ट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एक मार्केट में डिमांड ही नहीं है एक चीज़ की, लोग खरीदना पहले नहीं चाहते, आप उस पर डिस्काउंट दे भी दोगे तो तब भी शायद थोड़ा फर्क पड़ेगा कि चलो यार सस्ती है ले लो, लेकिन लोग उसको इनफेक्ट लेना नहीं चाहते। तो समटाइम डिस्काउंट आपके सेल्स लेवल को बढ़ाता है, समटाइम नहीं बढ़ाता है, डिपेंड करता है। वो एक खैर पूरी रिसर्च है जो कि हमारा यहाँ मकसद नहीं है, उस चीज़ को बेसिक लेवल पर हम उसको देख रहे हैं। तो एनी हाउ, डिस्काउंट्स आर जनरली ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरह के हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये वो डिस्काउंट्स हैं जो हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल या इस एक्सरसाइज में करने जा रहे हैं।
तो वो कौन कौन से हैं? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जब आप बल्क में चीज़ें खरीदोगे, मतलब आप मार्केट गए, फ्रूट भी आप लो ना, 1 केजी खरीदो कोई फ्रूट, तो उसके ऊपर जो कीमत होती है, अगर आप सोचोगे भैया मैं तो 10 किलो खरीदना चाहता हूँ, तो आप बताओ, तो आप वो ऑब्वियसली आपको कुछ पैसे कम कर देगा। तो यानी बल्क में जब आप खरीदते हो, आमतौर पर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, हम ये कहते हैं कि जो होल सेलर को डिस्काउंट देता है, प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर, उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, कि वो बल्क में चीज़ें खरीदता है। आम मिसाल से हम समझ सकते हैं कि चले ज़्यादा मिकदार में आप चीज़ खरीदोगे तो उस पर आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है, उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट होता है कि आपने पेमेंट करनी थी किसी को 3 महीने बाद, और आपने उसको 3 महीने से पहले पेमेंट कर दिया, तो वो आपको कुछ डिस्काउंट देगा, वो आपका कहलाएगा कैश डिस्काउंट, यानी एट द टाइम ऑफ द पेमेंट ऑफ द कैश, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कैश डिस्काउंट। एंड द क्वांटिटी डिस्काउंट आपने सुना होगा, बाय वन गेट वन फ्री, या बर्गर के साथ चिप्स फ्री, ऐसा कुछ नाम सुना होगा आप लोगों ने। अब वो जो डिस्काउंट आपके पास होता है, वो डिस्काउंट कहलाता है आपका क्वांटिटी डिस्काउंट, यानी चीज़ के बदले में चीज़ का ही डिस्काउंट दे देते हैं। यानी ये आप ये बर्गर खरीदो, साथ आपको जो है वो ड्रिंक फ्री मिल जाएगी चीज़ के साथ। अब इस तरह के जो डिस्काउंट होते हैं वो कहलाते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट। तो ये हम सारे क्वेश्चंस का खैर करेंगे, तो ये है कुछ थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन इसके वाले से। अब आइए उन टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टर्मिनोलॉजीज में जैसे मैंने कहा कि चार हैं, SP, DA, DR और DP, तो इन चारों को हम देखते हैं कि ये क्या है। ये चारों के चारे फार्मूलाज में यूज होंगे और इन्हीं नाम से हम इनको शॉर्ट यूज करेंगे। SP स्टैंड फॉर द स्टेटेड प्राइस, नॉट द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये SP यहाँ पर क्या है, स्टेटेड प्राइस। ये क्या होती है स्टेटेड प्राइस? इट इज द प्राइस एट विच सम पर्टिकुलर आइटम इज ऑफर्ड टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को ऑफर कर रहे हो, मतलब आप कह रहे हो कि भाई इतने का हम बेच रहे हैं, ठीक है। लोगों के माइंड में एक प्राइस का आपने बीज बो देना है, एक सीड आप पुट करेंगे, इतने की चीज है, ताकि अगले को लगे कि अच्छा इतने की है। बाद में कम होते 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 वो बहुत नीचे ले आते हैं तो अलग बात है, लेकिन ये वो है कीमत जिसपे आप मार्केट में उसको आप ऑफर कर रहे हो, इतने का हम बेचते हैं लेकिन आपको इतने का दे देंगे। जैसे अक्सर होते हैं ना, दुकानदार कहते हैं कि जी बाकियों के लिए सर आपके लिए खास है, हालांकि आप खास नहीं उनके लिए, लेकिन वो क्या यूज करते हैं कि आपके लिए खास है सर ये। एनी हो, यहाँ पे विदाउट हैविंग एनी डिस्काउंट, तो जब इस पे अभी डिस्काउंट नहीं है, ये वो कीमत है जो उन्होंने फर्स्ट टाइम बताई है, ठीक है। तो अच्छे जो ब्रांड होते हैं उनकी कीमत फिक्स होती है, जो लोकल होते हैं तो उनका वो कस्टमर टू कस्टमर होता है, ठीक है। यानी गाड़ी पे कोई बंदा जाएगा तो उसके लिए स्टेटेड प्राइस कुछ और है, मोटरसाइकिल पे वाले के लिए कुछ और है, साइकिल वाले के लिए कुछ और है। फ्रूट में भी आप देख लें तो जब गाड़ी वाला फ्रूट लेने के लिए रुके तो उसको वो जो रेडी वाला होता है वो कुछ और रेट बताता है, मोटरसाइकिल वाले को और बताता है, शक्ल देख के बताता है, लेडीज को देख के और बताता है, जेंट्स को देख के और बताता है, बच्चे को देख कर और बताएगा, खैर वेरी करता है। लेकिन हम ब्रांड्स की बात कर रहे हैं जिसके अंदर स्टेटेड प्राइस का मतलब है कि एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर वो ऑफर कर रहे हैं सबके लिए सेम है, कोई भी आएगा उसके अंदर उसके वो बता रहा है कि इतना है चीज के अंदर। अच्छा मैं अभी देखो, SP इज नोन एज, इसके कुछ नाम है वो आप देख लीजिए, ऑफर्ड प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, टैग प्राइस, बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, सेलिंग प्राइस, लिस्ट प्राइस, मार्क्ड मार्क्ड प्राइस, ठीक है। मार्क्ड का मतलब है मार्क की गई है उसके ऊपर, लिस्ट प्राइस का मतलब है कि उसकी लिस्ट में वो दिखा देते हैं, देखिए जी इतने का हम इसको दे रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस जिस पे उसने बेचना है उसको फेस वैल्यू या फ्रंट वैल्यू उसको कहते हैं, बुक वैल्यू जिसके ऊपर बुक्स में वो उसको शो कर रहे हैं, टैग प्राइस, टैग लगा होता है ना उसके साथ, आप चीज़ लेने जाओ उसके साथ टैग लगा, तो टैग के ऊपर यही लिखी होती है कि इसको ओरिजिनल प्राइस भी कह सकते हैं या इसको ऑफर्ड प्राइस भी कह सकते हैं, और स्टेटेड प्राइस भी इसका नाम है, तो हम इसको स्टेटेड प्राइस से SP कह रहे हैं। बात समय लगी, इनको नाम को याद रखिएगा, क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। उसके बाद है DA, DA स्टैंड फॉर द डिस्काउंट अमाउंट। डिस्काउंट ये अमाउंट की शक्ल में डिस्काउंट है, जैसे पीछे मैंने शुरू में बताया ना कि वो 500 की चीज़ उसने 450 में ली तो उसमें 50 रुपये डिस्काउंट है, वो 50 रुपया जो है वो है डिस्काउंट की अमाउंट। डिस्काउंट इन एब्सोल्यूटम, एब्सोल्यूट मतलब जो कि रकम की शक्ल में है, यानी 50, 60, 100, 1000, 50,000 इस तरह करके जो रकम की शक्ल में उसे कहते हैं एब्सोल्यूटम, इज कॉल्ड डिस्काउंट अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट ऑफ ₹100, ठीक है, ये अमाउंट है, इसे हम कहेंगे DA, यानी डिस्काउंट अमाउंट। एक होता है DR, जिसे हम कहते हैं डिस्काउंट रेट। DR स्टैंड फॉर द डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट इन रिलेटिव टर्म, रिलेटिव यानी इन रिलेशन टू, ये खाली कुछ नहीं होता, इसको किसी ने किसी के साथ कैलकुलेट करना पड़ता है, तो इस कॉल्ड डिस्काउंट रेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिस्काउंट ऑफ 10%, अब मैं आपसे पूछूँ कि 10% कितना बनता है, तो सीधा सा जवाब इसका ये बनता है कि किसका 10%, मतलब ये खाली कुछ नहीं है, हाँ इतना बताया जा सकता है। 10% कितना बनता है, 10/100 बनता है, और कितना बनता है, 0.1 बनता है, और कितना बनता है, चले जी 0.10 कह लीजिए,
इस तरह हम कह सकते हैं, लेकिन रकम कितनी बनेगी नहीं बता सकते जब तक ये ना पता हो कि ये 10% हमने लेना आखिर किसका है। और ये पूरे का पूरा चैप्टर आपको पता है कि डिस्काउंट का ये 1.4 एक्साइज, 1.5, 1.6, 1.7 सारी की सारी बेस कर रही है परसेंटेज पर। अगर आप देखें तो असल में ये टॉपिक भी हम परसेंटेज का ही कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक हम इसको नाम डिस्काउंट का दे देते हैं क्योंकि इसमें परसेंटेज का यूज है, एप्लीकेशन है। और आखिरी टर्म है डीपी। डीपी है स्टैंड फॉर द डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड जो डिस्काउंट होने के बाद प्राइस आ रही है। इट इज द फाइनल प्राइस पेड बाय, पेड आर पेएबल, यानी उसने पे कर दी या पेएबल है, मतलब वो कैश पे खरीदेगा तो पेड होगी होगी, अगर उसने क्रेडिट पे है तो पेएबल बनेगी, बाय द बायर टू द सेलर आफ्टर डिडक्टिंग अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दैट इज इक्वल टू डीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस डीए। यानी आप स्टेटेड प्राइस में से डिस्काउंट अमाउंट निकाल दें, बाकी जो रकम बचेगी वो कहलाएगी आपकी डिस्काउंटेड प्राइस यानी डीपी। ठीक है, तो ये डीपी जो है वो यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस है, डिस्प्ले पिक्चर नहीं है। अब इसमें आप देख लीजिए, डिस्काउंटेड प्राइस इज आल्सो नोन एज परचेज प्राइस, इसको परचेज प्राइस भी कहते हैं, इसको कैश प्राइस भी कहते हैं, इसको इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस होता है ना बिल, तो वो जितना यानी फाइनल आपने पे किया उसका बिल आप लेंगे, और पेड प्राइस की जो आपने पे कर दी, तो ये पेड प्राइस, कैश प्राइस, परचेज प्राइस, इनवॉइस प्राइस, ये इसके नाम है। तो इनको आप नाम को याद रखिएगा, क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प करेंगे। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।